इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो दाई इस्लाम के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। दुनिया भर में इन्होंने सैकड़ों लोगों को इस्लाम के दायरे में लाया है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहला आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम मौलाना, और ये जो मौजूदा हालात मुसलमानों के हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर में जो हैं, इसमें दावत का काम कितना ज़रूरी है, और जो मसाइल जिस तरह से आ रहे हैं मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश की जा रही है, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? असल में जो मौजूदा हालात हैं जो चल रहे हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि मुसलमानों के लिए तो यकीनन हालात तंग से तंग होते जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम और इस्लाम की दावत के लिए उतने ही साजगार होते चले जा रहे हैं हालात। ये जितना हमें लगते हैं ना, इस्लाम और इस्लाम की दावत के लिए उतने ही साजगार हाल। ये इल्म और अक्ल का ज़माना है, और इल्मी अकली जहनीत को इस्लाम के अलावा कोई मुतमईन नहीं कर सकता। तो इस्लाम दीन फितरत है, और सबको अल्लाह ताला ने पढ़ाया हुआ है। सारी रूहों को इकट्ठा करके अलस्तु बिरब्बिकुम, सबने कहा कालू भला, अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक तो भूल नहीं सकते। तो ये इस्लाम इंसान की अंदर की प्यास है। अब ये जो मुखालिफ हालात लग रहे हैं, तो ये इस्लाम की कमी को हमें मुखालिफ हालात लगते हैं। किसी चीज़ की कमी उसकी मार्केटिंग के लिए मुखालिफ हालात नहीं होते, बल्कि उसके लिए आखिरी दर्जे में साजगार हालात होते हैं। ये मुखालिफ हालात कहना या दिखना में ऐसे ही लग रहा है कि सख्त गर्मी है, गर्म हवाएं चल रही हैं, होंठों पर पपड़ियाँ जम रही हैं, जबानों में कांटे हैं। ऐसे वक्त में ठंडे पानी के लिए बिल्कुल मुखालिफ हालात, तो ठंडे पानी के लिए मुखालिफ हालात नहीं, ऐसे हालात हैं कि आदमी होंठों पर लगाइए गिलास, पीने को तैयार हैं। अब इसी ज़माने में जो है इस इतने हालात साजगार हैं कि मैं अभी आपने सुना होगा वो जॉर्म वान मुसलमान हुए हॉलैंड के, वो दुनिया के इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में ज़र फहरिस्त लोगों में शुमार था उनका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहानत आमेज़ कार्टूनों की कप कंपटीशन मुनक़िद करने का उन्होंने ऐलान किया था। पूरी उम्मत मुस्लिमा तड़प रही थी, सांसें रुक रही थी। अर्दुगान ने, इमरान खान ने, और किसने सोचाया और बहुत कोशिश की, तो उसने जब कैंसिल किया तब सांसें आई। वो था वो हर बुरी चीज़ को इस्लाम से मंसूब करना उनकी तहरीक का होता। वो इस्लाम ले आए, और किसी मुसलमान ने दावत नहीं दी, बल्कि कुरान के उनका खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि कुरान के ख़िलाफ़ किताब लिखना चाह रहा था। अब जब आधी किताब तैयार हो गई तो मैंने उसे पढ़ा, और मैंने समझा कि मैंने तो इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने एतराज़ात किए गए हैं उनके जवाब खुद दे दिए, इसका मतलब है मुसलमान हो गया। तो किसी से कलमा भी नहीं पढ़ा उन्होंने। मैं ये कहूँ कि वो वक्त के अबू लहब, अबू जहल मुसलमान हो गया। हमारे ज़माने का अबू लहब था, वो अबू जहल था, मुसलमान हो गया। फिर अभी ये जो जिस शख्स ने कल परसों नॉर्वे में कुरान जलाया, उन्हीं की पार्टी की थी, एक उमा नुवेल के नाम से एक आदमी थे, उमा नुवेल बड़े वो भी थे, पादरी भी रहे वो, और उन्होंने बहुत से मिशन के लोगों से काम किया, वो किया, वो भी कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। 2000 ख़ानदानों को उन्होंने पिछले 10 साल में ईसाई बनाया मुसलमानों को, उन्होंने उनकी बीवी ने, उन्होंने इस्लाम कबूल किया इस्लाम की दावत के लिए, वो क्या ने। तो अब इन हालात को अगर हम नासाजगार कहने लगे, इतने साजगार हालात को, असल चीज़ ये है कि वो हम लोगों ने, हमें हमारी जिम्मेदारी थी कि दीन की दावत देते, उनका हक अदा नहीं किया हमने। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला जिसका हक मारा जाता है तो वो ज़ाहिर है उसको गुस्सा भी आता है, जलाल भी आता है, हैजान भी होता है। तो अगर हम उनका हक अदा करने लगें तो ज़ाहिर है मसले का हल हो जाएगा खुद ही। ये उलमा और उम्मत के अंदर एक फासला होता नज़र आ रहा है, क्या ये आप कैसा महसूस करें? हाँ, असल में ये तो रहा भी है, ये बहुत बड़ा वो है। हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर आईएएस अफसर थे, कमिश्नर से रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने आरएसएस को अपनी खिदमात पेश की थी। उन्होंने ख़ुद बताया कि हम लोगों ने 65 आईएएस थे साथ दिए थे, तो उनमें से 11 को स्पेन भेजा गया था कि 900 साल स्पेन की हुकूमत कैसे ख़त्म की वहाँ से मुसलमानों को। तो उन लोगों ने तजदिया किया था, वो यही किया था कि उलमा से अवाम को बज़न कर दिया गया था, दूर कर दिया गया था। अब जिन लोगों से माल मिलने वाला है तो लोगों कस्टमर्स को उनसे वज़न कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बेलगाम में कोई गोश्त ना खाए, तो आप कहें कि सारे गोश्त वाले जो हैं कुत्ते के गोश्त पर बेच रहे हैं, तो गोश्त
जिन दुकानों से माल मिलेगा तो दीन मिलेगा, दीन वालों से बजन हो जाए तो ये यकीनन बहुत बहुत किस्मती की बात है। और ये इस पे इस तरफेन की इसमें ये बात है कि उलमा को भी अतमाद बहाल करने के लिए जो आवाम के जहन और उसका ख्याल करते हुए उनमें अतमाद बहाल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा उलमा की आवाम की अपनी ज़रूरत है कि वह उलमा से मुस्ता रहे। मौजूदा हालात में मस्जिदों में तस्करे होने चाहिए या नहीं? और जैसा कि हर दौर में देखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम है तो सामने फिरौन है, तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के दुश्मन आरएसएस संघ परिवार जैसे हैं, क्या इनका तस्करा होना ज़रूरी नहीं है मस्जिदों? असल में वो तस्कर दुश्मन समझ कर तो हमें तो दुश्मन, हमारा रिश्ता जो है वो दाई और मधु का है। दाई की हैसियत तबीब की होती है, मधु की हैसियत मरीज़ की होती है। असल में तो इस अस्पताल इंसानियत का अलमिया है कि तबीब अपने मरीज़ से बदज़न हो गया, मरीज़ अपने तबीब से बदज़न हो गया, तो वो तो हमें दहशतगर्द, गंदा, जाहिल, बुनियाद परस्त कह रहे हैं और हम उन्हें गैर, हरीफ, दुश्मन, काफिर कह रहे हैं। तो असल में मरीज़ अगर बदज़न हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं, मरीज़ की राय भी मरीज़ होती है, मरीज़ पागल भी हो सकता है। मुसलमान तो डरा हुआ नज़र आता है जी, मुसलमान तो डरा हुआ नजर, वो अपनी देखिए उधर से मैं समझता हूँ खुसूसा हिंदुस्तान में भी कि वहाँ से कुछ बहुत गैर मामूली दुश्मनियाँ नहीं हैं, मुखालफतें भी नहीं हैं वहाँ पर ज़्यादा, ऐसी गैर मामूली बात नहीं है, होता रहा है हमेशा। ये जो खौफ है और ये यास है, ये अपने जुल्म की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से दिलों में बिठा दी गई है। ये जो है खूबसूरत हाल है ये कि अभी आपने सुना होगा कि वहाँ दिल्ली में जहाँ तक ये मॉब लॉन्चिंग वगैरह के वाक़ियात हैं, एक तो ये है कि अक्सर सोशल मीडिया की वजह से एक क्लिप 50 दफ़ा से आती है तो हमें ऐसा लगता है, इससे ज़्यादा वाक़ियात होते रहे हैं, बहुत बेहतर रह रहे हैं। तो मॉब लॉन्च और फिर उसमें जो बहुत से ऐसे वाक़ियात होते हैं जो एक मतलब हिसार के एक इमाम साहब का है, मैंने ख़ुद तहकीक कराई, हमारे ड्राइवर हैं उसमें, तो 18 साल पुरानी केस था वो, अब दिखाया जा रहा है। बितिया का एक केस है, वो उसमें कोई मतलब ही था, उनके अजीज़ों ने उन्हें ज़मीन है वो करके उन्हें कत्ल करा दिया, उसे भी ऐसे ही दिखा रखा है, मॉब लॉन्चिंग का है। ये जो वाक़ियात हो रहे हैं तो इसके, लेकिन उनकी तरफ से कोई ख़ास ज़्यादती मेरे लिहाज से नहीं हो रही है जो सूरत हाल है हमारी, हमें जो दहशत है। अभी आपने दिल्ली में एक पढ़ा होगा वाक़िया कि वो कारी साहब थे कैराना के इलाके, कैराना के लोगों से लोग थर्राते हैं नाम से, वहाँ ऐसे हर तरह के जराइम पेशा भी हैं और बहादुर लड़ाकू लोग भी हैं वहाँ पर, उस इलाके के एक बहुत बहादुर बस्ती जो समझी जाती है, वहाँ के कारी साहब थे, उनके साथ दो लोग थे, तो वो किसी मोबाइल की एसेसरी ख़रीदने के लिए उन्होंने वो किया उनसे, अब वो नहीं वो खोल लिया उन्होंने उसे, तो उनका अब मैं लेता नहीं है तो अच्छी नहीं है, कहने की तुम्हें लेनी पड़ेगी। इस पर वो माफिया के लोग वहाँ रहते हैं, वो आपस में लड़ने लगे और इनको मारना शुरू किया, तो दो लोग इनके साथ थे वो भाग गए और उनके साथ दो लोग और आ गए, एक या दो, और उन्होंने इन्होंने मारा तो इन्होंने हाथ भी नहीं हिलाए, और इन्हें इनमें बाद में पता लगा जो लोग गिरफ्तार हुए, एक मुसलमान था एक हिंदू भी था, एक तो उसको इस पस मंजर में लेना कि जब वो एक मुसलमान भी था एक हिंदू भी था तो एक आम झगड़ा था। फिर दूसरी बात ये ख़तरनाक बात यह है कि मुसलमान तो शहीद भी उस वक्त तक नहीं हो सकता शहादत का दर्जा भी जब तक दिफा ना करे वो, और भी नहीं तो काट ले, थूक दे, शरीयत में ये नहीं है कि हाथ बंद करके एकदम हो जाए, मतलब उसे अपने दिफा का हक़ दिया है और दिफाई जिहाद जो है फ़र्ज़ ऐन है, इकदामी जिहाद तो फ़र्ज़ किफ़ाया। तो ये जो वहशत और ये खौफ और ये मायूसी है, ये उनकी किसी उस ज़्यादती का नतीजा नहीं है, हमारे गुनाहों की नौसत है असल में, उसका इलाज होना चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए, वहाँ से कोई ऐसी ख़ास ज़्यादती नहीं है। जिहाद के फ़र्ज़ के बारे में आपने बताया तो अब तो ऐसा किया जा रहा है, लोगों के अंदर इस तरह से तस्वुरात आ रहे हैं कि जिहाद फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये दहशतगर्दी है, तो इतना उसको जो है प्रोपोगंडा किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? असल में उसमें भी ये है कि वो तंजीमें जो लोग असल में लोग इस्लाम की मुसलसल बढ़ती हुई इशाअत से परेशान हैं, वो असल बात ये है, तो इस्लाम खुद इस्लाम में आने वाले लोग मग़रिब में इतने ज़्यादा हैं कि वो इस्लाम से लोगों को बचाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम से लोगों को करने के लिए जिहादी तंजीमों के नाम पर अपने इदारे कायम कर रहे हैं वो लोग 100%। ये दाइश क्या है, ये उनका 100% उन्हीं का वो है, और इस तरह की बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं कि वही स्पॉन्सर करते हैं, वही सब वो करते हैं, और फिर वो उनके इस्लाम से दूर करने का और इस्लाम से लोगों को बदगुमान करने का इंतज़ाम करते हैं। ये बात है जो इस्लामी जिहाद है वो तो 100% कंस्ट्रक्टिव और खैरखाना अमल है, इसके अंदर उसूल हैं, जाबते हैं, कायदे हैं। ऐन जंग के मौके पर आप बच्चों पर हथियार नहीं उठाएँगे,
عین جنگ کے موقع پہ اجازت ہے، نہیں عورتوں کو نہیں ماریں گے، بوڑھوں کو نہیں قتل کریں گے، فصل نہیں کاٹیں گے، جانوروں کو نہیں ماریں گے، آگ نہیں لگائیں گے، پانی میں نہیں ڈبوئیں گے، فوجی اگر اپنی عبادت گاہ میں چلا جائے گا تو آپ اس کا پیچھا نہیں کریں گے. اب جنگ کوئی شہروں میں تو ہوتی نہیں، میدان جنگ میں جو لوگ بچے آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، وہ اپنے مجاہدوں کا فوجیوں کی مدد کرنے آئے ہیں، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام میں تو ایسے اصول ہیں، تو وہ بچوں کو ایسے قتل کر دینا، بے گناہوں کو یہ وہ کر دینا، اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ کسی حال میں بھی نہیں. موجودہ حالات میں نوجوان بھٹکتا نظر آ رہا ہے، موبائل میں اس کی یعنی کہ اس کی پوری زندگی اس میں صرف ہوتی نظر آئے، تو نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے؟ اصل میں صرف ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ دعوت جو ہے زلن تمام مسائل کا حل ہے. آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. دائی ہی مخالف ماحول کے شر سے بچ سکتا ہے. جو چیز آپ اپنے پاس، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وافر مقدار میں اسے بانٹنا شروع کر دیجیے آپ، وہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جو یہ اللہ، یہ قانون ہے، نیچر کا قانون ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت دیں تو آپ سب کو عزت دینا شروع کر دیے، آپ کی عزت بڑھے گی. آپ چاہتے ہیں کہ محبتیں ملے آپ کو تو محبتیں بانٹنا شروع کر دیے. آپ چاہتے ہیں کہ ادب ملے آپ کو تو آپ دوسروں کو ادب دیں. آپ مال چاہتے ہیں بہت آئے تو مال بانٹنا شروع کر دیجیے، آپ مالدار ہوتے چلے جائیں گے. تو دین جتنا بانٹتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ وہ ہوتا چلے جائے گا. مسلم نوجوان بھٹکتا نظر آ رہا ہے جو کہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے. ہاں تو دائی جو ہے وہ دعوت، اگر دعوت پر کھڑے نہیں ہوں گے تو یا تو دائی بنیں گے یا مدعو بنیں گے. اگر دائی نہیں بنیں گے تو پھر مدعو بنیں گے، ان کے اثر سے متاثر ہوں گے. تو ہم جب دائی بن جائیں گے تو خود ہی مسئلے کا حل ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنے خیالات کا بے باکی کے ساتھ اظہار کیا. ہم امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ جو مولانا یہ کام لے کر، جو تحریک لے کر اٹھے ہیں کہ غیروں کو اسلام میں لانے کی، جو کہ سینکڑوں کو انہوں نے دائرہ اسلام میں لایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.